नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसके थ्रू मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि पंजाब भारत के अंदर सभी सरकारी आईटीआईज के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, 2023 से पहले किसी ने भी ये विचार नहीं किया था कि आईटीआई के सर्टिफिकेट, जो भारत सरकार का सर्टिफिकेट होता है, इसकी इतनी वैल्यू होती है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर वर्करों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और आईटीआई वर्कर्स को ही डेवलप करती है। और आप हैरान होंगे, आप एमबीए करके कनाडा में नौकरी करो, आपको तनख्वाह $16 मिलती है। आईटीआई करके भारत से आप आते हो तो आपकी तनख्वाह $45 to $65 पर आवर है। यदि एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया जाए, 52 वीक्स होते हैं एक साल के अंदर, आप ये देखो कि आपकी इनकम कितने गुना ज्यादा होती है। कनाडा में जितने भी करोड़पति लड़के या लड़की हैं, वो सभी टेक्निकल लाइन से हैं। और ये जो आईटीआई पास लड़के लड़कियां आते हैं, ये सभी टेक्निकल लाइन में होते हैं। कनाडा में इनको ट्रेड कैटेगरी के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर आपको पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, जल्दी मिलती है। यदि आपको किसी बात पर विश्वास नहीं है तो कनाडा के अंदर किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, उसे पूछ लो कि ट्रेड कैटेगरी वालों की तनख्वाह कितनी है और एमबीए वाले की तनख्वाह कितनी है, आप खुद को ही जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको लगभग 8 एडवांटेज बताऊंगा। आईटीआई किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। भारत में हर शहर के अंदर एक या दो आईटीआईज हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी फीस ऑलमोस्ट निल है। यदि जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी फीस है पर बिल्कुल रिजनेबल है। सबसे बड़ी बात जो लोगों का गिला शिकवा होता है कि देखो जी, जब गांव से शहर में आईटीआई करने जाएंगे तो इनका बस का किराया कौन देगा, कैसे होगा? और मैं यहां पे बताऊंगा कि यदि आपके पास आईटीआई का शनाख्ती कार्ड है तो आपको बस पास फ्री में मिलता है। सो आपके ऊपर कम से कम खर्चे में, और एक साल के अंदर लगभग भारत में 6 महीने की वैसे छुट्टियां होती हैं, आप आराम से, यदि आप आईटीआई करते हो तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंच सकते हो, अच्छी तनख्वाह ले सकते हो। सो पहले मैं आपको 8 एडवांटेज बताऊंगा आईटीआई करने का, आपको क्या क्या लाभ है। नंबर 1, अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हो और आप भारत में रहकर ही नौकरी करना चाहते हो, सरकारी या गैर सरकारी, आप बीए कर लोगे तो आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, पर यदि आप आईटीआई कर लोगे तो आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, यदि आप भारत से बाहर किसी भी देश में जाना चाहते हो, ये बात ध्यान से में करके चलो, आपका 10+2 पास करना लाजमी होता है और उसके बाद में आप आईटीआई की होनी चाहिए। नंबर 3, भारत से बहुत सारे लोग डोंकी लगा के विदेशों में भागते हैं। डोंकी लगाने का मतलब क्या होता है? आपको अपनी जान का भी खतरा, पैसे का भी खतरा और सारी आपकी बैलेंस उम्र है, आप वहां पे या तो जेल काटोगे या अपने मां बाप के पास दोबारा नहीं पहुंच सकते हो। 4, आईटीआई करने के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया या फिलीपाइन से यदि आपने 13 साल की पढ़ाई की हुई है और उसके बाद में कनाडा में आप स्टडी परमिट, वर्क परमिट या स्पाउजल वीजे के ऊपर जाते हो, आपको ना तो नौकरी की शॉर्टेज आएगी, ना पैसे की शॉर्टेज आएगी, ना पक्के होने की कोई समस्या आएगी,
क्योंकि ये कैटेगरी के लिए रूल डिफरेंट हैं और उनको प्रायोरिटी के आधार के पर पक्का किया जाता है। नंबर 5, यदि रिजर्व कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो तो आपकी फीस बहुत कम होती है आईटीए के अंदर। यदि जनरल कैटेगरी की हो तो बहुत ही रिजनेबल फीस होती है। ये सर्टिफिकेट जाली नहीं मिल सकता है। भारत सरकार का डायरेक्टोरेट है जो इसका एग्जाम लेता है, इसका रिजल्ट आपको मिलता है और वो रिजल्ट ऑनलाइन कोई भी देश में कोई ऑफिसर बैठा चेक कर सकता है। यदि आप मैट्रिक पास हो और भारत में ही कामयाब होना चाहते हो तो आप आईटीए का कोर्स कर लीजिए। यदि आप गरीब परिवार को या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, घर वाले आपके ऊपर पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, तो आप बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो, कम से कम 10+2 पास की होनी चाहिए। और जो कोर्स मैं आपको 20 कोर्स बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी कोर्स जो अलग अलग आईटीज में कराया जाता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन, 2 वायरमैन, 3 इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर, 5 एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, 6 वेल्डर, 7 प्लम्बर, 8 कारपेंटर, 9 हेयर स्टाइलिस्ट, 10 कुक, 11 केयर गिवर, 12 स्टिचिंग, 13 ब्यूटी पार्लर, 14 डीजल मैकेनिक, 15 ड्राइवर, 16 हाइड्रा ऑपरेटर, 17 लिफ्ट टेक्नीशियन, 18 मेडिकल लैब असिस्टेंट जो भारत के अंदर ब्लड यूरिन वगैरह टेस्ट करते हैं, 19 फार्मेसी टेक्नीशियन, 20 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैकेनिक, जैसे भारत में कंबाइन बनती है, ट्रैक्टर बनते हैं, ट्रालियाँ बनती हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भारत में हमारे ऑफिस का फ़ोन नंबर है 9815101148, आप वहाँ पे फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हो बिटवीन 9 AM टू 5 PM। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।